प्यारे बच्चे आगे क्वेश्चन में डेटा और दिया हुआ है, क्वेश्चन में 8 देखें। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड। यार हमने बात की थी एक आसान मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड, कहाँ यूज होता है, छोटे मोटे एसेट्स के लिए, जैसे टूल्स हो गए, लूज टूल्स, जैसे क्रॉकरी हो गई, प्लेट्स वगैरह, जैसे क्रेट्स हो गए, सही है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। बहुत आसान फार्मूला है रीवैल्यूएशन मेथड का। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, फार्मूला है सबसे पहले ओपनिंग की वैल्यू, देखें भाई ओपनिंग की वैल्यू कहाँ आ रही है, सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशन। एडिशन का क्या मतलब, जो नए एसेट खरीदे, और अगर कोई बेचे होते तो वो माइनस कर देते, माइनस डिस्पोजल। लेकिन डिस्पोजल जितने में बेचा वो अमाउंट नहीं आता, बल्कि जिस वक्त बेचा उस वक्त वैल्यू कितनी थी, हाँ वैल्यू आएगी, और माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या बना भाई, सी आंसर बना, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग। अगर डिस्पोजल होगा तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।